सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे बात करते हैं यार, पहले पुराने पोल के जब सवाल ये था कि क्या आपको भैया स्लाइडिंग फोन्स में ऑटोमेटिक सिस्टम पसंद है या फिर आप करने वाले हैं मैनुअल स्लाइड, तो यहां पे दोस्तों आप में से 66% ने कहा कि भैया आपको चाहिए मैनुअल स्लाइडिंग और बाकी बोलते हैं नहीं, जब इतना महंगा फोन लिया है तो भैया हम क्यों जोर लगाएं, यहां पे फोन को निकलना चाहिए ऊपर से बाहर अपने आप। तो यहां पे दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि अभी दोस्तों रिपोर्ट्स कहती है, रूमर्स आ रहे हैं कि जो Asus का Zenfone Max Pro M2 है वो शायद बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या आप उस फोन के लिए एक्साइटेड है, क्या आपको लगता है कि भैया वो बीट कर पाएगा Xiaomi के Redmi Note 6 Pro और Realme 2 Pro को? दोस्तों क्या रहती है आपकी राय, बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें मिला के एक साथ एक स्पेशल लाइक तो बनता है। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे गूगल की तरफ से। हम करते हैं गूगल पे सर्च तरह तरह की चीजें, तो यहां पर दोस्तों अभी जो है सर्च रिजल्ट उनमें आप अपने कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन शायद बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, जिसके बाद बेसिकली दोस्तों शायद आप अपनी बातें बता सकते हैं कि मतलब ये जो रिजल्ट था ये अच्छा है या फिर यहां पे काम की बात है कि नहीं है, या पता नहीं जो भी चीजें हैं। देखते हैं कि यहां पे गूगल सर्च में कमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आखिर कैसे काम करेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Xiaomi के मिल्क स्टीमर को लेके। मतलब Xiaomi यार पता नहीं क्या 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 दोस्तों करता है लॉन्च। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्च कर दिया है चाइनीज मार्केट में, 3000 रुपए दोस्तों इसकी है करीब, इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज के अंदर प्राइस, और ये है एक मिल्क स्टीमर स्मार्ट होम्स के लिए Xiaomi की तरफ से। क्या कहना चाहोगे इस बारे में मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे भैया टेस्ला के एक नए अपडेट को लेके, जिसके बाद दोस्तों जो टेस्ला कार है वो थोड़ी सी और ज्यादा सिक्योर हो जाएगी, मतलब भैया कोई चोर उसको चुरा ना पाए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है इसको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, अगर दोस्तों करते हैं यहाँ पे ट्रैक इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की लोकेशन। कुछ यहाँ पे टेस्ला जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स के दोस्तों गाड़ी की फंक्शनैलिटी उसको बढ़ाता रहता है, तो ये एक अच्छी बात भी है। हम वेट करते हैं कि इंडिया में टेस्ला कब आए, और मेरा बहुत ज्यादा मन है कि मैं दुबई में एक टेस्ला परचेज करूं, लेकिन उसके अंदर उतनी लग्जरी नहीं है जितनी मेरी एग्जिस्टिंग कार में है, तो देखो खैर क्या होता है फ्यूचर में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Huawei की तरफ से, और ये दोस्तों आता है एक रेंडर Huawei के भैया फोल्डिंग फोन का, लेकिन देख के लगता है क्लियरली नकली, क्योंकि इसमें बेजल्स तो भैया है ही नहीं, नहीं तो बाहर नहीं तो अंदर, तो मतलब इतनी सी नॉच के अलावा क्या कहीं पे हमको बेजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अगर टैबलेट खुल के बन जाएगा इतना बड़ा, तो भैया अगर आप उसको कहीं से पकड़ोगे साइड से तो आपको चाहिए ग्रिप। खैर देखते हैं Huawei का जो 5G फोल्डिंग फोन है वो दिखने में एक्चुअल में कैसा होता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Nokia 9 को लेके, और ये दोस्तों कुछ केसेस जो हैं वो भैया हो गए हैं लीक, जहाँ पे आप गिन सकते हैं कितने छेद होंगे कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि बाद में हो जाओगे कन्फ्यूज कि कौन से कैमरा से फोटो लें और कौन से बनाए वीडियो। भैया यहाँ पे तो दोस्तों बहुत सारे कैमरा होने वाले हैं, मतलब शायद बात सच्ची होने वाली है। मेरे पास में खैर फिलहाल सैमसंग का गैलेक्सी A9 है, इसका वीडियो आएगा कल सुबह, जहाँ पे हैं 4 रियर कैमराज, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख के लगता है कि होने वाले हैं 5-5 रियर कैमराज इसी Nokia के Nokia 9 में। देखते हैं वाकई में क्या ऐसा कोई डिवाइस है भी, और अगर है तो कब लॉन्च होता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे पबजी मोबाइल सीजन 4 को लेके, ये दोस्तों आने वाला है कल, और दोस्तों ये साथ में लेके आएगा अपने साथ भैया कुछ नए और फीचर्स, जहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएंगी नई स्किन्स, नए एम्यूनिशन और दोस्तों कुछ रॉयल पास बेनिफिट्स। पबजी को लेके मेरा कभी कभी मन करता है कि एक वीडियो बनाऊं, फिर करता है कि यार नहीं मैं इतना खेलता तो हूं नहीं, मेरे को इतना खेलना आता भी नहीं, तो मैं वीडियो फिर क्यों बनाऊं। तो क्या दोस्तों आप वीडियो देखना पसंद करेंगे पबजी के ऊपर, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में, आपकी डिमांड का खासा ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप दोस्तों इंडिया में फैला रहा है भैया जागरूकता फेक न्यूज के खिलाफ, और यहाँ पे दोस्तों ऐसे में जो ट्रेनिंग दोस्तों है वो दी जा रही है, और ऐसे में काफी दोस्तों लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि व्हाट्सएप पे क्या सही है क्या नहीं है, कैसे आपको बातों पर भरोसा करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरा तो खैर यही मानना है कि अगर सभी लोग इस चीज को अच्छे से इस्तेमाल में लें तो काफी अच्छा टूल है कम्युनिकेशन के लिए, अदरवाइज काफी खराब टूल है जिसके चलते अफवाहें फैल जाती हैं बहुत बार। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप इस सफाई को कैसे साफ करता है, नहीं सफाई तो साफ ही होती है ना, गंदगी को कैसे साफ करता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे ओप्पो के R17 Pro को लेके, और ये फोन शायद बहुत जल्दी इंडिया में आ सकता है, जहां पे दोस्तों अभी ओप्पो ने किया है एक ट्वीट जहां पे लिखा है एक आर, तो ये दोस्तों फोन देखते हैं इंडिया में आता है कि नहीं, और अगर आएगा तो यहां पर दोस्तों है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ में है ट्रिपल रियर कैमरा, तो देखते हैं कि ये फोन अगर आता है तो इंडिया में कब तक आता है और किस प्राइस पे आता है। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहां पे
रोबोट्स की तरफ से एक नया अपडेट, और भैया रोबोट्स तरह तरह के काम करने में हो रहे हैं सक्षम। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक रोबोट है जो टॉयलेट को क्लीन कर सकता है। मतलब अगर आप घर में दोस्तों एक रोबोट पालते हैं, मतलब अगर आप किसी रोबोट को रखते हैं काम करने के लिए, तो वो बाकी कामों के साथ साथ टॉयलेट को भी क्लीन कर देगा। मतलब यार सोचो हम दोस्तों कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मशीन्स को, और मशीन्स बकायदा सभी काम कर पा रही हैं। तो क्या कमाल अपडेट निकल के आता है इसी फील्ड की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे एप्पल के लिए, और एप्पल ने प्रोडक्शन जो है दोस्तों वो कर दिया है कट 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 अपने तीनों ही आईफोन मॉडल्स का, आईफोन XS, XS मैक्स और आईफोन XR। XR दोस्तों मैंने कल बताया था कि पहले ही कट कर दिया एप्पल ने, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सेल्स फिगर्स हैं वो उतनी एप्पल रीच नहीं कर पा रहा है, बिकॉज फोन बहुत ज़्यादा महंगे हैं मेरे भाई। देखते हैं क्या होता है अगले साल के आईफोन में, क्या उसमें कुछ नया देखने को मिलता है कि नहीं। इस साल तो बस वही नई बोतल पुरानी शराब, मतलब क्या बोलें। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है व्हाट्सएप स्टिकर्स की, जहाँ पे दोस्तों ये जो है ऐप स्टोर से दोस्तों रिमूव किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी ऐप्स जो कि हैं व्हाट्सएप स्टिकर्स को लेके, अभी ये दोस्तों बोलते हैं कि जो एप्पल की डेवलपर गाइडलाइंस वाली जो है दोस्तों पॉलिसीज उनको फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए इन ऐप्स को हटाया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है फिलहाल व्हाट्सएप या फिर एप्पल दोनों की तरफ से, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या आप व्हाट्सएप पे स्टिकर यूज करते हो, क्या आपने स्टिकर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं व्हाट्सएप पे, अगर कर दिया है तो क्या आपको पसंद आते हैं या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Asus के Zenfone Max Pro M2 को लेके, और ये दोस्तों फोन जो है वो 11 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है इंडोनेशिया में। देखते हैं कि इंडिया में कब आएगा, मैं आपसे खैर शेयर नहीं कर पाऊंगा सारी बातें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो फोन है इसका एक रेंडर सामने दिखा है, जहां पे दिखती है हमको एक नॉच, और बाकी दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड तो दिख ही रहा है। तो देखते हैं कि ये फोन दोस्तों कौन से प्रोसेसर के साथ में आता है, कब आता है, किस प्राइस पे आता है, और क्या हमें कुछ नया कमाल ऑफर कर पाता है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो यहाँ पे रियलमी के U1 को लेके, एक और दोस्तों आ गया यहाँ पे टीजर रियलमी की तरफ से। मालूम चलता है कि भैया फोन होने वाला है अमेजोन एक्सक्लूसिव, और यहाँ पे दोस्तों सेल्फी कैमरा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस शायद होने वाला है, और बाकी दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि भैया यहाँ पे है P70 प्रोसेसर, और ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है 28 नवंबर को। मेरा वीडियो भी आपको सेम डे मिल जाएगा, और देखते हैं बाद में कि कैसा निकलता है यही Realme का U1। तो उसमें अगला अपडेट निकलता है लास्ट वो है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi भैया क्लेम करता है कि Xiaomi चेंज करने वाला है रूरल रिटेल को, और ये उसको बोलते हैं फॉरएवर चेंज रूरल रिटेल। तो देखते हैं कि Xiaomi भैया क्या कुछ नया सोच रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या दोस्तों कुछ नया कमाल करना चाहता है रूरल रिटेल के मामले में। इंडिया में कुछ अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाए, वरना अगर गाँव में भैया दुकानों पर चले फ्लैश सेल तो ये बात बहुत खराब होगी। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।